तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हरिद्वार की है, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हैं। और ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से क्योंकि आज तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका उद्घाटन सीएम योगी को करना है। सीएम योगी का ये हरिद्वार दौरा है। आपको बता दें कि 1000 हेक्टेयर भूमि और 578 भवन होंगे उत्तराखंड के नाम, क्योंकि परिसंपत्तियों को लेकर जिस तरीके से विवाद पिछले कई सालों से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच दिखता आया है, और उसको लेकर अब एक बड़ा हल, एक बड़ा समाधान भी कहीं ना कहीं इसके द्वारा देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें हैं और अब इसको लेकर आप देख सकते हैं जोरदार तैयारियां की गई हैं। उद्घाटन जहां पर होना है वहां पर सीएम पहुंच चुके हैं, मंच पर जाने की तैयारियां हैं। भागीरथी पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें देखिए हरिद्वार से, 3 दिवसीय दौरा है ये और इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के भी तमाम वरिष्ठ नेता बीजेपी से मौजूद हैं यहाँ पर, वहां के मुख्यमंत्री हैं। सीएम योगी बैठ चुके हैं, अब से कुछ ही देर बाद लोकार्पण करेंगे इस कार्यक्रम में। यूपी सरकार के भागीरथी टूरिस्ट हाउस का उद्घाटन सीएम योगी करने वाले हैं और होटल अलकनंदा उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा, प्रदेश की तरफ से, यूपी की तरफ से इसको सौंपा जाएगा। और सबसे पहले भारत समाचार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, भागीरथी रिजॉर्ट का उद्घाटन होने वाला आपसे कुछ ही देर बाद। हरिद्वार से ये तस्वीरें हैं, क्योंकि परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर कई दिनों से बैठ के चल रही थी, तैयारियां हो रही थी और आज इसको अंतिम रूप भी देने की पूरी कोशिश की गई है। सीएम योगी पहुंच चुके हैं, आपसे कुछ ही देर बाद उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम और साधु संत भी नजर आ रहे हैं। हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं। कार्यक्रम यूपी के नवनिर्मित गेस्ट हाउस के लोकार्पण का है और इस दौरान परिसंपत्तियों का जो मसला है उस पर भी चर्चा हो सकती है, जिस पर सभी की नजरें, सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इससे पहले 18 नवंबर को सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को लेकर बातचीत हुई थी। और ये माना जा रहा है क्योंकि पिछले कई सालों से ये जो विवाद है दोनों प्रदेशों में वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और अब इसको लेकर कोई बड़ा हल निकल सकता है, इसलिए क्योंकि दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है और दोनों ही सरकारें इसको लेकर कोई एक बड़ा समाधान, एक कोई बीच का रास्ता शायद निकाल सकती। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड बीजेपी के भी तमाम नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। अब से कुछ ही पलों के बाद इसका उद्घाटन होगा। हरिद्वार से लाइव तस्वीरें, 3 दिवसीय दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का और अपने तीसरे दौरे के तीसरे दिन हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पंकज पवार हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर। पंकज, ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है सीएम योगी के लिए, क्योंकि ऐसी कई परिसंपत्तियां थी यहाँ की जिसको लेकर विवाद पिछले कई सालों से था और अब ये उम्मीद पूरी तरीके से जताई जा रही है कि दोनों प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है तो एक बड़ा समाधान अब से कुछ ही देर बाद या कह सकते हैं कुछ पलों में इसका निकल जाए। बिल्कुल आपने सही कहा और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण पल भी है और कोशिश यही होनी चाहिए दोनों राज्यों की कि जो तमाम मुद्दे हैं, जो तमाम पिछले 20-21 सालों में जिन मुद्दों पर चर्चाएं नहीं हो पाई उन तमाम मुद्दों को सुलझा लिया जाए। और इसके लिए पहल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बेहतर तरीके से की है और या इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि परिसंपत्तियों के जो बंटवारे रहे हैं उसमें जो उनका जो गृह प्रदेश रहा है उसको उन्होंने अपने प्रदेश की तरफ से उन्होंने एक 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 तोहफा देने की कोशिश की है। और अगर कहा जाए तो उत्तराखंड के लिए कई नहरें हैं, इसके अलावा जिस तरीके से अलकनंदा होटल यूपी ने उत्तराखंड को सौंपा है, इसके अलावा आपसे थोड़ी देर में यूपी के तमाम जो जनता है उनको ये जो ये होटल दिया जाएगा, रिजॉर्ट दिया जाएगा, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।